कैसी लगी मूवी? मूवी बहुत फैबुलस है सर, मुझे मूवी बहुत अच्छी लगी। द फाइटर द मूवी, फाइटर मूवी काफ़ी अच्छी है, फुल देशभक्ति मूवी है, मतलब कि हर एक डायलॉग पे आपको एकदम जोश दिलाती है। बहुत अच्छी लगी, बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। अच्छी एक्शन मूवी है, हमें बहुत अच्छी लगी भाई। उनकी केमिस्ट्री बड़े पर्दे पर किलर केमिस्ट्री है। Awesome, बिल्कुल। बिगर ऋतिक की केमिस्ट्री मुझे ऐसी लगी कि दिस इज द परफेक्ट जोड़ी। जबरदस्त मतलब दोनों की केमिस्ट्री पहली बार देखा बड़ी स्क्रीन पे, मजा आ गया। ऋतिक रोशन तो ऐसे जब छोटा था तो मैं पसंद नहीं करती थी उसकी जवानी में, अभी देख के मुझे लगा ये छा गया है। बहुत ज़्यादा, बहुत हैंडसम तो है ही, लेकिन एयरफोर्स का जो मेकअप है उसका बिल्कुल लगता है कि कैप्टन है, एयरफोर्स का आदमी है, रियल लगता है। वो जम रही है, अच्छी जम रही है। ऋतिक और दीपिका की केमिस्ट्री सुपर है, लाजवाब है। रियल एक्शन इंडिया में पहला मूवी, एक्शन के बारे में क्या बताएं? हाँ, ये एक्चुअली देशभक्ति पे जितने भी मतलब वे ऑफ देशभक्ति का मतलब बताया जाता है, ये फर्स्ट टाइम एयरफोर्स के जरिए देशभक्ति को बताया गया, तो इसीलिए मूवी बहुत फैबुलस है। एक्शन देख के कुछ नया लगा कि हाँ, एक इंडिया में एक इस तरह से भी कुछ एक्शन डिजाइंस किए गए हैं। एक्शन काफ़ी अच्छे हैं, हवा में एक्शन दिखाया इन्होंने, हमेशा आप देखने जमीन पर एक्शन देखा होगा, फर्स्ट टाइम आप एक्सपीरियंस करो हवा में एक्शन, और क्या चाहिए। बहुत बढ़िया है, ऐसा लग रहा है हम बॉलीवुड में नहीं, ये हॉलीवुड में गए ऐसा लग रहा है। ऐसा पिक्चर हम लोग हॉलीवुड का ही देखते थे। इस मूवी में आपके लिए क्या हाइलाइट है? हाइलाइट्स ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा अमेजिंग नहीं है, लेकिन डायरेक्शन बहुत अच्छा है, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है, स्टोरी लाइन बहुत सिंपल है, लेकिन देशभक्ति को फर्स्ट टाइम एयरफोर्स के जरिए प्रेजेंट किया गया तो उसका ट्रीटमेंट बहुत अच्छा है। एक लड़की को अक्सर कमज़ोर समझा जाता है, तो बट इस फिल्म के अंदर दिखाया गया कि कोई लड़की कमज़ोर नहीं है, देश के लिए मर मिटने को तैयार होती है और वो एक फाइटर बनती है और देश के लिए काम करती है। आज हमारे देश में लोग लड़कियों को काम करने नहीं देते हैं, बोले यार तू घर पे चूल्हा चौकी कर, तो ये भी मुद्दा उठाया गया कि हर लड़की, कोई भी लड़की किसी लड़के से कम नहीं है, वो भी अपना जॉब वॉब कर सकती हैं, तो वो भी मुद्दा उठाया उन्होंने। पहले हम लोग सर झुका के चलते थे और भाईचारा और ये सब भावना रखते थे, आज हम लोग नफरत की भावना नहीं रखते, लेकिन बदले की भावना है कि अगर वो हमें, कोई भी हमें तंग करता है तो हम सर उठा के उसका जवाब दे सकते हैं। भी लड़कियों को थोड़ा प्रोत्साहन मिलेगा कि हम लोग उधर जाएं, ये भी हम कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं कर सकते हैं, सब कर सकते हैं, वो दिखाया है तो अच्छा दिखाया है। ऑब्वियसली नो डाउट सभी दिग्गज कलाकार है, और सबसे अच्छा जो मुझे लगा है वो केमिस्ट्री दीपिका और ऋतिक की है। सबका काम, मैंने बोला ना आपको, छोटे से बड़े स्टार का सबने बहुत अच्छा काम किया। सब करण सिंह ग्रोवर का रोल अच्छा है, अनिल कपूर का बहुत बढ़िया रोल है, आशुतोष राणा जी है, भले मामूली रोल है लेकिन टचिंग। अनिल कपूर का अपनी जगह, उसका भी रोल बहुत अच्छा है, और आशुतोष राणा तो एक दो मिनट के लिए आए लेकिन फिर भी वो अपनी छाप छोड़ के जाते हैं। नो डाउट 100% उन्होंने अपना दिया, उन्होंने नहीं बल्कि पूरी टीम ने अपना 100% दिया है, जो पर्दे पर दिखे उन्होंने भी और जो पर्दे के पीछे है उन्होंने भी, इसीलिए टेक्निकल वाइज मूवी बहुत अच्छी है। सर यहाँ है सर, वो तो ये है सर, ये बॉलीवुड के नंबर वन डायरेक्टर माना जाता है उनको, एक्शन डायरेक्टर, तो उनका डायरेक्शन पर नो डाउट, वो जैसा करते हैं डायरेक्शन उनका डायरेक्शन सेम है, मतलब माइंड ब्लोइंग है। डायरेक्शन अच्छा है, और पठान मूवी भी उन्होंने बनाई थी ना, तो डायरेक्शन अच्छा है। सिद्धार्थ आनंद का डायरेक्शन में कुछ कहने का नहीं होता है, उनका जो डायरेक्शन है ना, एक एक सीन उन्होंने बहुत ही क्लियर मने किए हैं, वो बहुत अच्छा लगा। 3.5 पूरे 5, एक भी कम नहीं करूँगा, बिल्कुल देश की फिल्म हमारी। चार। देखो अभी ये रेटिंग मत दो इस मूवी को, ये देशभक्ति वाली फील आती है तो इस मूवी के लिए यूनिवर्स दूँ। मैं 4 दूंगी। मैं 5 आउट ऑफ 5 ही दूंगा, क्योंकि मुझे देशभक्ति वाली पिक्चर बहुत अच्छी लगती है।